Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 7, articles A, N and the, class 4 subject English grammar. इस articles की definition को समझेंगे कि articles क्या होता है. Okay, A, N और the are called articles. A, N और जो the होते हैं ये हमारे articles कहलाते हैं students, जिसके अंदर A और N ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी कि अनिश्चित होते हैं ये. और जो दा होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये हमारा पर्टिकुलर जो थिंग्स होती है उनके साथ यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, जो ए है उसका यूज किन किन चीजों के साथ किया जाता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं. और इसके कुछ रूल्स होते हैं. नंबर वन है कि बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जाम्पल हुआ हमारा ए गर्ल, ए बॉय, ए मोटरसाइकिल, इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए. स्टार्टिंग वर्ड हमने लिखा गर्ल, एक वर्ड है हमारा गर्ल. इसका जो जी वर्ड है आप बोल के देखो कि किसकी आवाज आ रही है, साउंड किसकी आ रही है. ग, ग की आवाज आ रही है, तो ग हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का. आर यू अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने बोला बॉय, बॉय को जब हमने बोला तो किसकी साउंड आई, ब, बे की आवाज आई, तो बे हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है. ओके, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का. ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, म किसकी आवाज आ रही है, म की, तो मैं हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है. ओके, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का. दैट्स क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यू, एग्जाम्पल ए यूजफुल, ए यूरोपियन. स्टूडेंट्स, हमें किस पे ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है, उसकी जो प्रोनंसिएशन है उस पे ध्यान देना है. हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि ए, ई, आई और यू ये हमारे वोवल्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर साउंड को देख करके ए और एन का यूज करना है. ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पर यूजफुल लिखा है मैंने, तो यूजफुल को आप बोल के देखो, स्टूडेंट किसकी आवाज आ रही है, यह की, यूजफुल यह की आवाज आई, तो यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है. हमें यू पे ध्यान नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें यू पे ध्यान नहीं देना. अगर आपने यू पे ध्यान दिया तो फिर वो वोवल हो जाएगा, वहां एन का यूज होता है. अब हमें देखना साउंड देखनी है, और साउंड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, ए का यूज होगा. देखिए एग्जाम्पल यूरोपियन, यू जैसे यज्ञ की आवाज आ रही है, ऊ की मात्रा लगी यू, तो हमारा यहाँ पे क्या आया, साउंड के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको ये वाली बात का, ए. स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज व, एग्जाम्पल है हमारा 1 रुपीज नोट. देखिए यहाँ भी हमें किस पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे देना है, उसकी जो साउंड आ रही है उसको हमें ध्यान में रखना है. देखिए एग्जाम्पल 1 रुपीज नोट, 1, वो की आवाज आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का. अगर हम उसके वोवल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ओ क्या है, हमारा वोवल है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, ए, ई, आई, ओ और यू ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं, और इनके साथ हमारा एन का यूज होता है. ओके, लेकिन हमें यहां पर साउंड पे ध्यान देना है. अब आगे चलते हैं यूज ऑफ एन, कि हम एन का यूज किन किन रूल्स के अंदर करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. अब देखिए नंबर वन है, बिफोर ए वोवल साउंड, अगर आपकी कोई वर्ड आपका लिखा हुआ है और उसके आगे आपको वोवल साउंड आ रही है, जैसे एप्पल लिखा है, एप्पल ए की आवाज आ रही है, तो हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा. और सेकंड हमारा रूल्स क्या था, कि जो ए है, ए हमारा वोवल है, तो दोनों हमारे के रूल्स हो गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
nth apple. Okay? Second है, before a silent h. Example, n our, n honest man. यानी कि मैंने example क्या लिखा है? Our. Okay? लेकिन आप इसको क्या रीड करते हो? Hover. H को पढ़ते हो. हमें इसमें hover नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसे our. कैसे बोलेंगे? Our. इसकी जो साउंड है उस पर ध्यान देना है. H यहाँ पर साइलेंट है. ओके? अगर हम इसे हवर पढ़ते हैं तो H हमारा ये क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है. लेकिन हम इसको हवर नहीं रीड करेंगे, हम इसको अवर बोलेंगे. और अवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? N आएगा, क्योंकि अ अ की साउंड आ रही है. दैट्स क्लियर. सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मैन को हम कैसे रीड करते हैं? ओ. ऑनेस्ट मैन, ओ. ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे. हम इसको होनेस्ट नहीं रीड करेंगे. अगर हम इसे होनेस्ट करते हैं तो उसकी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ए यूज होगा. लेकिन हमें कैसे इसको रीड करना है? ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मैन. ओके, दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम देखते हैं कि द का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है. नंबर वन है, बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एडजेक्टिव की वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी. उसकी फॉर्म्स मैंने उसमें समझाई थी. साथ में मैंने आपको डिग्रीज बताई थी, जिसके अंदर मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री समझाई थी. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? क्लेवरेस्ट. ओके, तो क्लेवरेस्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लगी हुई है. अगर यहाँ पर ER होता तो हमारा कंपैरेटिव हो जाता. ये यहाँ पर सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है. दैट्स क्लियर. सेकंड देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस. जहां पर स्पेशलाइजेशन होता है किसका? जैसे रिवर्स है नदी, तो ओशियंस महासागर, तो उनके आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. क्लियर हो रहा है आपको? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गैंगेस, ये क्या है? नदी है. तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, द. सेकेंड एग्जाम्पल है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर. सागर है हमारा, तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे? द का, द. नेक्स्ट आप देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स. जो स्पेशलाइजेशन बुक्स होती है, स्पेशल बुक्स होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि भगवत गीता. ये हमारी कैसी बुक है? हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है भगवत गीता. तो ये हमारा क्या है? स्पेशल बुक हुई. तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, द. नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं, जो कि उनके आगे हमारा द का यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू.